चलिए साथियों, तो आज हम जो बात करेंगे इस वीडियो में वो ऑटोमेटिक रेन गेज के बारे में बात करेंगे या फिर सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज के बारे में बात करेंगे। साथियों, जैसा कि हमें स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज जो है हम कितने टाइप के रेन गेज पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे 3 टाइप के। कितने? 3 टाइप जो है हमारे रेन गेज हैं। कौन से वाले? ऑटोमेटिक रेन गेज या फिर आपके सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। दूसरा होता है सेल्फ रिकॉर्डिंग या फिर इसी को SLF सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है ये बकेट टाइप रेन गेज। पहला कौन सा होगा? बकेट, वो टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज। और दूसरा होता है हमारा ये वेज टाइप रेन गेज। और थर्ड है हमारा फ्लोट टाइप की फ्लोट टाइप रेन गेज। ये तीनों टाइप के जो रेन गेज होते हैं वो ज़्यादातर हमारे वेदर डिपार्टमेंट में यूज़ होते हैं, क्योंकि इनमें जो है मैनुअली हम लोग इसे मैनुअली जो जांच होती है कि कितनी रेनफॉल हुई वो नहीं करना पड़ता। इसमें क्या होता है, जितनी जो वर्षा की इंटेंसिटी, मतलब किस समय में कितनी वर्षा हुई और कितने समय कितनी तीव्रता से बारिश हुई, वो भी हमें जो है इन जो डिवाइस हैं, जो रेन गेज मेजरमेंट डिवाइस हैं, उससे पता लग जाता है। तो चलिए पहला स्टार्ट कर दें हम लोग, टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज। देखिए इसमें यह क्या होता है, शुरुआत में ये जो पहला हमारा दिख रहा है यहाँ, ये जो है यहाँ जो ये ऊपर का जो है ये हिस्सा कैसा है, ये रिसीवर होता है। इसकी जो है लगभग हमारा कितना डायमीटर रहता है, ये 30 सेंटीमीटर का लगभग डायमीटर होता है, जिससे जो पानी है वो रिसीव होता है। उसके बाद जैसे ही पानी जो है यहाँ रिसीवर में रिसीव होता है बारिश का, और वो इस फनल के द्वारा कहाँ पर आता है, इस बकेट में आता है। कैसे ये बना देते हैं थोड़ी सी हम लोग, ये इस टाइप की बकेट है और पानी यहाँ पर आता है। जैसे ही ये बकेट भर जाती है पानी से, फिर क्या होता है, ये बकेट जो होते ऑटोमेटिकली टिल्ड हो जाती है। कैसे ऑटोमेटिकली टिल्ड हो जाएगी, मतलब यहाँ से पानी गिरकर कहाँ पर एकत्र हो जाता है, इस बोतल में एकत्रित हो जाता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी कि जो है ये टिपिंग बकेट टाइप क्या होता है। इसमें एक टिपिंग बकेट लगी रहती है और वो बकेट कैसी होती है, वो भरने के बाद टिल्ट हो जाती है, मतलब पानी डाउन हो जाता है। और आइए जानते हैं कि इसमें कितना पानी हाइट तक भर जाता है, फिर ये टिल्ट हो जाती है। देखिए इसमें 0.25 mm तक अगर जिसमें पानी जो है हाइट तक भर जाता है, ये बकेट जो है वो टिल्ट हो जाती है और जो पानी जो है इसके थ्रू इसमें एकत्रित हो जाता है, इस बोतल में या जो कलेक्टिंग बोतल है वहाँ पर जो है कलेक्ट हो जाता है। ठीक है साथियों, ये क्या है, यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग डिवाइस लगी हुई है, ये रिकॉर्डिंग डिवाइस है। इस रिकॉर्डिंग डिवाइस से जो है हमारा जो कितनी रेनफॉल हो रही है वो पूरा रिकॉर्ड कर लेता है, और जो रेनफॉल है वो कितने आवर लेते हैं, 24 घंटे में कितनी बारिश हुई और कितनी तीव्रता से बारिश हुई, ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिल जाएगी, ये 2 रिकॉर्डिंग डिवाइस से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक बकेट टाइप है, ये टिपिंग बकेट है, ये जैसा कि हमने बता दिया। और यह जो है ये फनल है, फनल जैसे जो एक फनल के ऊपर क्या है, फनल के ऊपर रिसीवर लगा हुआ है कि जो बारिश का पानी होता है वो इस फनल में आता है, फनल से सीधा बकेट में, बकेट जैसे ही 0.25 mm हाइट तक भर जाती है तो उसके जो पानी है वो टिल्ट हो जाता है और पानी कहाँ सीधा किस में आ जाता है, ये बोतल में आ जाता है। ये जो है वो हमारा स्टैंड है, यहाँ पर ये बेस बना होता है नीचे, और ये जो है इस बेस पर ही हम लोग बोतल रख देते हैं जिससे बारिश का पानी कलेक्ट होता है। ठीक है, चलिए सेकंड हम लोग बात करेंगे किस पे, वेज टाइप रेन गेज पे। कैसे, कौन से सेकंड है हमारा, कौन सा है, वेज टाइप, WEIGH वेजिंग या वेज टाइप रेन गेज। ठीक है, वेज टाइप रेन गेज पर अगर हम बात करेंगे तो चलिए इसके बारे में हम लोग इसकी थोड़ी जो है डायग्राम समझ लेते हैं कि ये किस तरीके का होता है। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले रिसीवर होता है, ये जो है क्या है, ये रिसीवर लगा होता है ये, और यहाँ जो है ये वेज टैंक है। ये क्या है, ये वेजिंग टैंक लगा हुआ है। इसमें क्या है, पानी
एकत्रित होता है। जैसे जो बारिश का पानी है वो यहाँ से, इसमें फनल है, ऊपर रिसीवर लगा हुआ है, ठीक है, फिर वो पानी कहाँ पर आता है, इसमें बेजिंग टैंक में आता है, और फिर नीचे देखिए उसके जस्ट नीचे ये क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग और लीवर बैलेंस लगा हुआ है। ये क्या है, स्प्रिंग है और लीवर बैलेंस लगा हुआ है। मतलब क्या है, जैसे ही पानी इसमें आता है, वज़न बढ़ता है, तो स्प्रिंग जो है या जो लीवर बैलेंस है वो ऊपर की जो बोतल में टैंक में पानी है उसको बैलेंस करते हैं, और उसी के साथ देखिए यहाँ पर जो स्प्रिंग है उसको एक रॉड से कनेक्ट करते हैं, और उस रॉड से यहाँ पर सीधा ये उसके अटैच कर देते हैं क्या, रिवॉल्विंग ड्रम। साथियों रिवॉल्विंग ड्रम क्या होता है, ये रिवॉल्विंग ड्रम होता है। इस रिवॉल्विंग ड्रम का मतलब होता है कि ये जो है इस तरीके से बना होता है, ठीक है, ये इस तरीके से बना है, और यहाँ पर साथियों ये ड्रम जो है इस ड्रम में रोटेट होता है, और इसमें एक पैन लगा हुआ है। दिखाते हैं कि पैन कहाँ पर है, देखिए ये जो है एक पैन लगा हुआ है, ये पैन लगा हुआ है, और ये पैन जो है वो इस ड्रम में जो है मार्क करता रहता है इस तरीके से। ये इस जैसे जैसे होता है इंटेंसिटी बढ़ती जाती है बारिश की, वो रिप्रेजेंट करता रहता है। और आइए जानते हैं जो रोटेटिंग ड्रम है, देखिए ये जो रोटेटिंग ड्रम है ये अपना एक चक्कर पूरा करने में वन राउंड कितने में करता है, 24 आवर्स में, 24 घंटे में जो है वो ये ड्रम जो है एक चक्कर कर लेता है। और साथियों इससे वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो ड्रम है उस पर ग्राफ बना रहता है, और उससे पूरी जो बारिश हुई है 24 घंटे में वो कितनी बारिश हुई है और किस इंटेंसिटी से हुई है ये सारी चीज़ें पता लग जाती है। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा क्या, कौन सा सेकंड जो है, सेकंड रेन गेज है, ऑटोमेटिक रेन गेज चल रहा है, ये क्या है, तुला प्रकार का वर्षामापी या वेज टाइप रेन गेज। ठीक है, वेज टाइप रेन गेज है। ठीक, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये जो है किस तरीके से काम करता है। ये वेज टाइप रेन गेज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें क्या लगा होता है, इसमें वेज टैंक लगा होता है, ठीक है, और नीचे उसी के नीचे जो है स्प्रिंग बैलेंस लगा होता है, ताकि जो पानी यहाँ से या वर्षा का जो पानी है वो इसमें टैंक में आता है, और टैंक जो है स्प्रिंग से बैलेंस में आता है, उसी से अटैच कर दिया जाता है ये, और फिर यहाँ से एक पैन होता है, और ये जो ड्रम है वो रोटेट होता है, क्या घूमता रहता है साथियों, पूरा एक जो चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, 24 घंटे, कितना समय लगाता है, 24 घंटे जो है वो लगाता है। ठीक है, चलिए लास्ट बात करते हैं हम लोग फ्लॉट टाइप रेन गेज, इसकी फिनोमिना समझते हैं और इसका डायग्राम, देखिए सभी लोग जो है इसके अच्छे से डायग्राम समझेंगे कि जो है फ्लॉट टाइप रेन गेज क्या होता है। इसमें देखिए ये जो है यहाँ पर रिसीविंग ट्यूब लगी हुई है, सबसे पहले क्या होता है, रिसीविंग ट्यूब है, ठीक है, इस रिसीविंग ट्यूब से क्या होगा कि जो भी बारिश होगी वो बारिश किससे, यहाँ पर रिसीविंग ट्यूब के थ्रू इस किस में आएगी, इस फ्लॉट चैम्बर में। ये क्या है साथियों, ये हमारा फ्लॉट चैम्बर है, ये पूरा क्या है, ये फ्लॉट चैम्बर है, ये फ्लॉट चैम्बर है, और उसके बाद देखिए फ्लॉट चैम्बर में ही क्या है, फ्लॉट है, ये क्या है, ये फ्लॉट है। फ्लॉट साथियों क्या होता है कि एक जो गुब्बारा टाइप में होता है, किसमें गुब्बारा होता है, जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाती है हमारा क्या होता है, ये गुब्बारा जो है या जो फ्लॉट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ को आता जाता है, तो हमें पता लग रहता है कि कितनी बारिश हो रही है, और उसकी जो हाइट है हम लोग मेज़रमेंट कर लेते हैं जिससे कि पता लग जाता है कितना बारिश हुई है। चलिए और इसमें जानकारी लेते हैं, देखिए ये जो है चैम्बर, जो ये पूरा जो है ये चैम्बर है क्या, ये हमारा फ्लॉट चैम्बर है, मतलब इसमें पानी भरा रहता है, और ये जो फ्लॉट जो है जैसे ही ऊपर आता है तो जब चैम्बर फुल होने को होता है तो फिर यहाँ से ही हमने क्या लगा दिया, इसी से अटैच एक डिस्चार्ज ट्यूब लगा रखी है। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब होता है कि जो फ्लॉट चैम्बर है, फ्लॉट चैम्बर में जैसे ही पानी फिल हो जाता है तो ये जो है इसमें ये सिफॉन चैम्बर, ये जो हमारा साइड में लगा हुआ है ये सिफॉन चैम्बर लगा हुआ है, और यहाँ से डिस्चार्ज ट्यूब, उसके बाद देखिए ये जो हमने, आइए दिखा देते हैं आपको सही से, ये जो है ये ब्लैक जो लिख रहा है यहाँ से, ये वाला जो है पूरा ये हमारा क्या है, सिफॉन चैम्बर है, ठीक है, ये सिफॉन चैम्बर है, और इसी के सिफॉन चैम्बर में ही क्या लगा दी हमने, डिस्चार्ज ट्यूब लगा दी, जैसे ही जो हमारा फ्लॉट चैम्बर है पानी से भरता है और फिर जो फ्लॉट ऊपर चला जाता है, फिर उससे क्या होगा कि जो पानी है खाली हो जाता, चैम्बर क्या होता है खाली हो जाता है, और वो पानी किसके थ्रू निकल जाता है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू बाहर की तरफ को निकल जाता है।
ठीक है। और उसी के साथ देखिए फ्लॉट से ही क्या अटैच कर दिया गया, एक रॉड है जो कि फ्लॉट से अटैच होगी, इसमें एक पैन अटैच कर दिया गया है। और इस पैन को कहाँ से अटैच कर दिया गया है, ये रिवॉल्विंग ड्रम या रोटेटेड ड्रम से अटैच कर दिया गया है, ठीक है। और रोटेटिंग ड्रम के ऊपर साथियों एक ग्राफ लगा दिया गया है, क्या रोटेटिंग ड्रम के ऊपर जो है वो हमारा ग्राफ लगा हुआ है। इस ग्राफ पर क्या होता है कि पूरी जो इंटेंसिटी है वो 24 घंटे में कितनी बारिश हुई है, ये इस तरीके से पूरा बता देता है, ठीक है साथियों। तो ये जो है तीनों आपको जानना बेहद ही ज़रूरी होता है, जैसे ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, और ये फ्लॉट, फ्लॉट हमने बता दिया कि बहुत हल्का सा एक गुब्बारा टाइप में होता है, जैसे जो कि पानी के ऊपर रहता है, क्या जैसे जैसे पानी बढ़ता रहता है तो ये जो इसकी जो है ये पानी के अपर सरफेस पे रहता है, ठीक। तो जैसे जैसे ये पानी कम होगा बढ़ेगा तो ये जो इस पर जो हमारा ग्राफ है ये ग्राफ पर इस तरीके से पूरा अच्छे से रिप्रेजेंट करता रहता है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि 24 घंटे में कि जो 24 आवर्स है हमारा उसमें कितनी बारिश हुई है, ठीक है, कितना 24 घंटे में 24 आवर्स में कितनी बारिश हुई है। और इसका जो अर्ली 8 AM कितना 8 AM और जो DB गुप्ता है उसमें 8 AM दे रखा है, और एक्चुअली में जो होता है वो हम 8:30 भी ले सकते हैं, कितना 8:30 AM। आपको क्या करना है कि 8:30 बजे अगर आप आज रखते हो तो उसको 24 घंटे बाद आपको कितने बजे ही हटाना है, उसको 8:30 पर ही हटाना है। अगर 8:30 पे आज रख रहे हो तो कल आपको 8:30 पे हटाना है, और अगर 8 बजे रख रहे हो तो कल आपको 8 बजे ही हटाना है, ठीक है साथियों। तो इस तरीके जो से जो है वो हमारा ये तीनों जो है रेन गेज कंप्लीट हो जाते हैं, कि जो ऑटोमेटिक रेन गेज थे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इरिगेशन से संबंधित वीडियो हमारी आते रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।